हमें गाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस ड्रामे में एंकरिंग का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरा नाम फातिमा है, मैं इस ड्रामे में बेटी और बहन का किरदार कर रही हूँ। मेरा नाम जहरा है, मैं इस ड्रामे में माँ का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं इस ड्रामे में बाप का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरा नाम आयशा है, मैं इस ड्रामे में खाला का किरदार अदा कर रही हूँ। मैं इस ड्रामे में दोस्त का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम दानिश है, मैं इस ड्रामे में भाई और बेटे का किरदार निभा रही हूँ। मैं इस ड्रामे में दोस्त का किरदार अदा कर रही हूँ। ये प्रभा की जानिब से पेश किया गया है, आइए देखते हैं होता है क्या। अम्मी जान मुझे आगे पढ़ना है। बेटा जाकर अब्बा को पूछो। बेटी डरते हुए जाती है और धीमी आवाज में कहती है, अबू जान क्या हुआ बोलो, मुझे आगे पढ़ना है। नहीं बेटियां घर के कामों में ही बिजी रहना चाहिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कॉलेज का फीस नहीं भर सकता और मुझे तुम्हारे शादी का खर्चा भी उठाना है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ा दीजिए ना। बेटा दानिश ईयरफोन लगा कर आता है और बाप से कहता है, अब्बा जान मुझे एक नया फोन चाहिए, मेरे सारे दोस्त के पास आईफोन है। ठीक है बेटा, मैं कल काम से होते हुए नया मोबाइल लाऊंगा। दानिश बेटा आपने कुछ दिनों पहले ही तो नया मोबाइल खरीदा था। अब्बा जान गुस्से में कहते हैं, तुम बीच में क्यों आ रही है, तुम तो सिर्फ अपनी बेटी के ही बारे में सोचोगी, मेरे बेटे से क्या मतलब, यही हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा ना कि वो। अब फोन की घंटी बजती है। वालेकुम अस्सलाम। अब अम्मी जान की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है। ठीक है मैं आती हूँ। मेरे अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाकर आती हूँ। ठीक है जाओ। बेटी बावर्ची खाने में काम कर रही है, बाप की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें बुखार है और बेटा दानिश दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया है और माँ घर में नहीं है, वो अपने मायके को गई है। बाप खांसते हुए पानी मांग रहा है, बेटी डरते हुए पानी लेकर आती है, दानिश को फोन लगाती है और दानिश गुस्से से बोलता है, हेलो दानिश भैया। अरे तेरी फैमिली तो कितना बोर करती है। हेलो हेलो क्या हुआ बोलो। मैं पार्टी में बिजी हूँ, अब मैं आज नहीं सकता। तुम्हारी बेटी है ना, उसको बोलो मैं पार्टी में बिजी हूँ, आज मैं नहीं आ सकता। ठीक है। बेटी बाप को लेकर अस्पताल ले जाती है और एडमिट करती है। बाप को अब एहसास होता है कि बेटियां बुरी नहीं होती और बेटियां और बेटों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बेटा अगर हीरा है तो बेटी भी मोती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।